यह है लखनऊ का अमर शहीद स्मृति पार्क जो लखनऊ के सीतापुर रोड पर स्थित है। और ये पार्क हमारे चार स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें फांसी दे दी गई थी काकोरी कांड में, जो लखनऊ का एक बहुत ही मशहूर काकोरी कांड है जो अंग्रेज़ों का खजाना लूटा गया था, यह सब चीज़ें मैं अपनी वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ये पार्क में ये पेड़ लगा हुआ है, इसको हम लोगों ने बचपन में बहुत देखा, अब बहुत कम ये पेड़ देखने को मिलता है। तो मैं आपको ये पेड़ दिखा रहा हूँ और इसका एक फूल फूल भी तोड़ के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए फूल है। तो अगर आप इस पेड़ का नाम मुझे कमेंट में बताते हैं तो मैं आपको एक इनाम दूंगा और वो इनाम बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए एक यहाँ पे म्यूजिशियन है जो यहाँ पे म्यूजिक, तो यहाँ पे ये पार्क में बैठे म्यूजिक सुना रहे थे। आपको इनकी म्यूजिक कैसी लगी मुझे कमेंट में बता दें। और चलिए अब हम शुरू करते हैं और बताते हैं इस पार्क के बारे में। आज़ादी के लिए तो जो जंग है वो 1857 से शुरू हो चुकी थी। 1857 का गदर आप लोग जानते ही होंगे, जो कि एक बहुत बड़ा गदर था, लेकिन उसमें क्रांतिकारियों को, हमारे देशवासियों को कामयाबी नहीं मिल पाई। और उसके बाद जो है चिंगारी जलती रही आज़ादी की धीरे धीरे, और हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हो गया। लेकिन इस देश को आज़ाद दिलाने में हमारे क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा। कुछ लोगों ने अंग्रेज़ों का जुल्म सहा और कुछ लोग फांसी के फंदे पे गए। तो हमारे क्रांतिकारियों ने जो योगदान दिया है, अपनी शहादत दी है, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। लखनऊ के काकोरी में एक बहुत बड़ा कांड हुआ जो 9 अगस्त 1925 को हुआ, उसको काकोरी कांड से जाना जाता है। लखनऊ से सहारनपुर एक पैसेंजर ट्रेन जा रही थी जिसमें अंग्रेज़ों का ख़जाना रखा था। उस ट्रेन को हमारे क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी में लूटा गया और बाद में उसमें से कुछ क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास हुआ, कुछ को 5 साल की सज़ा हुई, और उसमें जो 4 शहीद थे उनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया। तो उन्हीं की याद में यह पार्क बना हुआ है। ये पार्क के अंदर जो कंपाउंड बना हुआ है इसको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपको देखिए ये चारों तरफ से, और ये देखिए ऊपर जो है सीढ़ी जाने के लिए बनी है, और वहीं पे ऊपर हमारे जो 4 शहीद हैं जिनको फांसी दी गई थी उनकी वहाँ पे मूर्ति है। तो चलिए हम आपको ऊपर दिखाते हैं, उनकी मूर्तियां दिखाते हैं आपको। ये देखिए राम प्रसाद बिस्मिल जी की मूर्ति, इनको 1927 में गोरखपुर में फांसी दी गई। इस काकोरी कांड में ये फांसी पे चढ़ने वाले हमारे देश के शहीद जो अमर शहीद हैं, इनको हमारा देश गौरवान्वित करता है ऐसे शहीदों पे।
काकोरी कांड में हैं, फांसी पे चढ़ने वाले हैं दूसरे शहीद श्री राजेंद्र लहाड़ी जी, जिनको गोंडा में फांसी दी गई। सलाम पेश करते हैं अपनी तरफ से, भारतवासियों की तरफ से इनको। ये हमारे दिल में हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे। भारत देश इनको हमेशा याद करेगा। और ये जो देखिए ठाकुर रोशन सिंह, ये हमारे तीसरे शहीद हैं जिनको फांसी दी गई काकोरी कांड में, इनको इलाहाबाद में फांसी दी गई। और काकोरी कांड में एक और फांसी पे चढ़ने वाले शहीद अशफाकुल्ला खां, इनको फैजाबाद में फांसी की सज़ा दी गई। सलाम पेश करते हैं हम इनको। और ये चारों शहीद हमेशा हमेशा के लिए हमारे दिलों में ज़िंदा हैं, और इनको हमेशा सलाम है हमारी तरफ से और हमारे देशवासियों की तरफ से। और देश इनको हमेशा याद रखेगा। हम सब इनको हमेशा अपने दिलों में याद रखेंगे। इस काकोरी कांड में 10 लोग थे जिनको सज़ा हुई, तो कुछ लोगों को कारावास हुआ, आजीवन कारावास हो गया, कुछ लोगों को 5 साल की हुई। और ये 4 शहीद हैं जो यहाँ पे जिनकी मूर्तियाँ बनी है, इनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। तो ये था अमर शहीद स्मृति पार्क, सीतापुर रोड, लखनऊ। और ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है और अपने शहीदों के नाम पे, आप इस वीडियो को लाइक करिए और दूसरों को शेयर करिए, ताकि ये जानकारी दूसरों तक पहुंच सके।